यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कि आप सोचो एक 51 मंदिर, राइट, 51 मंदिर 51 बॉडी पार्ट्स के अंदर में और सारे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। लाल शक्ति का उपसर्ग, लाल शक्ति का प्रतीक लाल होता है। लाल से हाँ, तो दोस्तों आज का वीलॉग जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग मैं निकल रहा हूँ गुवाहाटी के लिए, पहली दफा जा रहा हूँ गुवाहाटी। और गुवाहाटी में मेरे एक बहुत ही अच्छे कलीग और फ्रेंड, उनकी शादी है, उसको अटेंड करने जा रहा हूँ। तो अभी सीरीज ऑफ बहुत सारे मैं वीलॉग डालने वाला हूँ, डे वन का, डे टू का, और एक अश्मी शादी का भी मैं डालूंगा कि असम में जो अश्मी शादी होती है कैसे होती है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए और तैयारी है बस। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ से अभी निकलूंगा एयरपोर्ट के लिए। काफी ठंड है दिल्ली के अंदर में, गुवाहाटी के अंदर में भी काफी ज्यादा ठंड है, तो उसी हिसाब से तैयारी करके निकले हैं। देखते हैं कि हम लोग कैसे कैसे जाते हैं। और ये हम आ गए अपने होटल रूम में। ये है होटल पूरा रूम। सो दोस्तों, ये मैं पहुंच गया अपने होटल के रूम पे और होटल काफी अच्छा है, काफी बड़ी रूम है और अभिषेक आने वाला है। अभिषेक का वेट करते हैं और अभिषेक का वेट करने के बाद में अभिषेक आएगा तो कल हम लोग मिलेंगे। आज ठीक सही है। हाँ देखने में एक्सपर्ट है भाई हमारा। बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरीज है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे और आपको मिलते हैं अपने पॉडकास्ट में। सॉरी, पॉडकास्ट नहीं है ना आपको मिलते हैं अपने वीलॉग में। आपको और भी बहुत सारी अमेजिंग चीजें दिखाते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग निकलेंगे। तो हम लोग का स्टार्ट हो चुका है वीलॉग आज का और आज हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल में जाने के बाद में आप लोगों को बताएंगे, वहां के बारे में चीजें बताएंगे, दिखाएंगे भी। और हमारे साथ में अभी अभिषेक हैं, तो हम भी निकल चुके हैं और ये मेरा ब्लॉग का टूल है ये भी ब्लॉग बना रहे हैं। और हमारे साथ में है रोहित। तो रोहित है, तो हम लोग तीनों अभी निकलने वाले हैं, जा रहे हैं और हम लोग इसके साथ में करेंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग आपको मिलते हैं डायरेक्टली कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल के हम लोग अंदर में, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं बहुत खूबसूरत रास्ते हैं और आप उधर देखिए पहाड़ है, इधर से नीचे की तरफ देखिएगा तो आपको सिटी पूरी नजर आएगी। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, वो पहाड़ नजर आ रहा है। तो हम लोग पहाड़ के ऊपर में काइंड ऑफ काट काट के रास्ता बनाया और ये पहाड़ के ऊपर में हम लोग अपनी गाड़ी जो है हमारी चल रही है, चढ़ रही है। इन सब फोटो को थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए शिव जी गुस्सा हुए हुए हैं, यहाँ पे जो सती देवी उनके लाश को अपने कंधे पे उठाए हुए हैं और ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है ये एक कहानी है। इस कहानी को हम लोग बताएंगे, क्या कहानी, देखिए आप गौर से देखिए, इस कहानी को नरेट करेंगे अंदर। ये हम लोग एंट्रेंस के पास में आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं एंट्रेंस में। ये एंट्रेंस ये
बहुत खूबसूरत। थोड़ी सी इसकी स्टोरी नरेट करते हैं, गलती होगी थोड़ा सा माफ कीजिएगा, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से करते हैं। तो कामाख्या टेंपल की स्टोरी इस तरह से है कि जब यू नो जब देवी सती थी और आपके शिव जी थे, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तो देवी सती के जो फादर थे उनको पसंद नहीं था उनका रिश्ते, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, यज्ञ किया, महायज्ञ किया, और वहां पे उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। तो सती जी इससे परेशान होके कि उनको नहीं बुलाया और उससे बड़ी थोड़ी सी दुखी हो गया उनको, वो जो अग्नि थी उसके ऊपर में उन्होंने जम किया कि अपवित्र हो जाए, उनका यज्ञ संभव ना हो पाए और उनका डेथ हो गया। नाउ शिवजी ने क्या किया, शिवजी ने जब ये समाचार सुना तो शिवजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, जैसे हो जाए मतलब जैसे उनका बेसिकली गुस्सा होने वाली बात भी थी, और उन्होंने उनकी उनके शव को अपने कंधे पर उठाया, जिसका वीडियो हमने पहले शूट किया था, आपको दिखाया था, शव अपने कंधे पर उठाया और वहां से वो तांडव करने लगे। अब वो तांडव करने लगे, जब शिवजी तांडव करते तो पूरा तीरों लोग झूम जाता है, पूरा लोग घबरा जाता है, तो देव घबरा गए और विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने तब उनका मोह भंग करने के लिए सुदर्शन चक्र फेंका और उस सुदर्शन चक्र से सती की जो बॉडी था, और शिव जी ने बोला था जब तक ये गल ना जाए इसके शव तब तक वो तांडव करते रहेंगे, तो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र फेंका और वहां से उनकी बॉडी के 51 टुकड़े हुए, और वो पूरे इंडिया में, सिर्फ ऐसा नहीं है कि गुवाहाटी, पूरे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वो उनका कुछ कुछ बॉडी पार्ट गिरा, कहीं उंगली गिरा, कहीं पे बाल गिरा, कहीं पे कुछ गिरा, कहीं पे हाथ गिरा, राइट। तो वहां पे बेसिकली 51 जगह पे गिरा और पूरे इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, इंडिया से बाहर की बात कर रहा हूँ, तो अलग अलग जगह पे गिरा और वहां पे एक एक मंदिर है, जैसे कि तारा तारिणी भी एक मंदिर है आपके उड़ीसा के अंदर में जो काफी फेमस मंदिर है, राइट। तो इस तरह से बहुत जगह पे बिहार में मंदिर है इनके, एक ही सेम सीरीज के बिहार में है, एक मंदिर बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, आपके नेपाल में मंदिर है, बांग्ला आपके वेस्ट बंगाल में है, तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, श्रीलंका में भी एक मंदिर है जो इसी सीरीज के अंदर 51 मंदिर है, राइट। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि आप सोचो 51 मंदिर, राइट, 51 मंदिर 51 बॉडी पार्ट्स के अंदर में, और सारे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं ये, मतलब पूरे और पूरे सब कॉन्टिनेंट फैले हुआ। तो आप अगर इसका आर्कियोलॉजिकल देखोगे ना, तो हर स्टेट में, हर यू नो हर जितना भी स्टेट इंडिया के अंदर, ऑलमोस्ट सब में, और इंडिया इनफैक्ट एक मंदिर जो है चाइना में बोला जाता है, चाइना के अंदर में भी है। तो आप देख रहे हो कितना वास्ट इसका है और कितने ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े भी होंगे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो कि इस मंदिर के बारे में। तो बस दोस्तों, अब हम लोग और भी जगह घूमते हैं और आपको देखते हैं, आपको ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। जल के लिए जो आपको लाइन दिख रही है वहाँ से लंबी लाइन है, वहाँ से ठीक है, माथा में लगाया जाता है, मैं तो शूट कर रहा हूँ तो अभी
थोड़ा सा बस बस माथा भी लगा देता माथा लगा दे आपका बाल नहीं है तो उस टाइप पे आ जाए आ जाए कम से कम इसी से अच्छा पंडित जी एक सवाल आ रहा है कि जैसे कि हम लोग जब जाते हैं उत्तर प्रदेश या इधर के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे सब कोई केसरिया रंग पहनते हैं केसरिया रंग भगवा रंग का कपड़ा पहनते हैं यहाँ पे मैंने देखा कि सारे पंडित जो लाल पहनते हैं और मंदिर में भी मैंने देखा लाल लाल हम लोग जब माँ का मंदिर खुलेगा तब एक गोली होता है अच्छा एक गोली इसका गोली का बाड़े माँ का मंदिर खुलेगा हर रोज एक खाची बोली होता है डेली बलि होता है बली होता है बाकी आदमी लोग जो जाएगा वो इनको मानसी कर जाता है तो हम कोई बोली जाएगा बली होगा उसके बाद ही गेट खुलेगा इसका इसका बाड़े मंदिर खुलेगा पहले रक्त दिया जाता है ब्लड जितना असूल को शुद्ध थे उसी लोग का निधन करके माँ बहुत शक्ति से किया अच्छा इसलिए हम लोग का माँ है तो लाल लाल शक्ति का उपसर्ग तो लाल शक्ति का प्रतीक लाल होता है लाल से हम लोग पहले माँ का बोली होता है इसका बाद माता सो सो अगर अभिषेक अगर हम लोग माने ना कि यहाँ का जितना स्टोरी होता है ना जैसे कि माँ काली का स्टोरी है तो माँ काली का जो मेन विलन था वो रक्त बीज था तो वो भी ब्लड से रिलेटेड देखना तो जितनी स्टोरीज होती है ना एक तरह की पूरी बंधी हुई यहाँ पे अच्छा तो मोस्टली रेड कलर का ये है कि माँ जो ब्लड से रिलेटेड है इसलिए वजह से सर व्यू देखिए ये सबसे फेमस व्यू है जो भी आपको कामाख्या मंदिर का वो व्यू मिलेगा ये यही फोटो होता है गूगल में सर्च करके यही फोटो होता है व्यू पॉइंट पे आए हैं इस व्यू पॉइंट में आप पूरी की पूरी गुवाहाटी देख सकते हैं मेरे पीछे देखो गुवाहाटी है तो इस व्यू पॉइंट में पूरी पूरी गुवाहाटी देख सकते हैं ये है चित्रकूट नीलांचल पर्वत राइट नीलांचल पर्वत में और अभिषेक यहाँ पे हैं अभिषेक भी किधर गए अभिषेक भी शूट कर रहे हैं राइट तो आप लोगों को व्यू दिखाते हैं थोड़ा सा वीडियो पे वो देखिए ट्रेन जा रहा वो हार्वर्ड जाएगा सर कहाँ जाएगा हार्वर्ड 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 हैरी पॉटर हार्वर्ड जाएगा हैरी पॉटर वाला हैरी पॉटर तो बिहारे से पूरा है एकदम नाम नहीं ले पा रहे हैं तो कुछ बोल देता है हार्वर्ड है ना हार्वर्ड ही तो है और क्या है